नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र इस विशेष रिपोर्ट पर। केजरीवाल ने किया उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने अगली बार आने का वादा भी किया और कहा कि अगली बार वो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस की घोषणा करने के लिए आएंगे। और क्या क्या कहा सुने आप सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। और जिस तरह से दिल्ली में काम की राजनीति की शुरुआत हुई है, उसका अगला पड़ाव अब उत्तराखंड बनने जा रहा है। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश की राजनीति जो है वो जन मुद्दों के साथ, जन भावों के साथ चल रही है। और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में अब राजनीतिक एजेंडा सेट करने में कामयाब रही है। और इसी क्षेत्र में सबसे पहले चाहूंगा कि कर्नल कोठियाल की बात करते कर्नल कोठियाल अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे, मेरी किस्मत अरविंद केजरीवाल सर के साथ गाड़ी में बैठ करके, तो मैं सोच रहा था कि आज ये जो दिन है, क्या ये वाकई में हमारे बहुत बड़ा गर्व वाला दिन है या हमारी किस्मत वाला दिन है, जिस दिन सर कुछ यहाँ पे पहली बार ऑफिशियल विजिट में देहरादून आए हैं। अभी कुछ दिनों से मैं पहाड़ों में घूम रहा था, तो वैसे तो हम सबको पता है कि उत्तराखंड में क्या मूलभूत जरूरत है हर इंसान की, लेकिन जब मैं पहाड़ों में घूम रहा था तो मेरे को महिलाएं जो खेती में अपने रुपाई कर रही थी, वो घर छोड़ वो खेती में रुपाई छोड़ करके हमसे मिलने आकर के ये बोलना चाह रही थी कि बेटा देखो, आम आदमी पार्टी ये हेल्थ एजुकेशन रोजगार ये तो देगी देगी, लेकिन ये बताओ कि जो हमारे सामने से गंगा नदी बह रही है, जिसमें सबसे बड़ा टिहरी डैम बना हुआ है, यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, यही का पानी है, क्या वो मूलभूत सुविधाएं भी आज की सरकार या आज की हमारी जो गवर्नेंस है वो नहीं दे पा रही है पिछले 20 साल से। तो मैं सोच रहा था आज आते हुए एक आदमी जिसने अपनी मेहनत से सबसे बढ़िया जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में टाटा स्टील में उस जगह नौकरी करी जहाँ पे की माओवादी थ्रेट है आज के जमाने में, लोग बड़े बिगड़े हो गए थे। उसके साथ मदर टेरेसा जैसी संस्थाएं जो मदर टेरेसा ने बनाई थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या समस्याएं हैं, सिक्किम में किस तरीके का आज एक समाज चलता है, उनके ऊपर स्टडी करी। उसके बाद सिविल सर्विसेज वो क्वालिफाई करा, उसके बाद नौकरी करी। नौकरी करने के बाद में अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे पावरफुल मानी जाने वाली हमारे देश की कांग्रेस और बीजेपी की बिल्कुल तगड़ी वाली राजनीति होती है, उस जगह पे स्थापित करा दिल्ली में गवर्नेंस मॉडल, वहाँ पे साबित करके दिखाया कि वो गवर्नेंस मॉडल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने के बाद ही दिल्ली के पढ़े लिखे लोग वो बार बार रिपीटेडली दो बार कांग्रेस बीजेपी को आउट करके एक पार्टी को अपने इलेक्शन में जिता करके लेके आ रहे हैं। इसका मतलब तो बड़ा साफ है कि ये गवर्नेंस मॉडल है जो उत्तराखंड में करने में और आसानी है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रही थी क्या किस्मत है आज हमारी। मैं इस आज ये जो प्रेस और लाइव जो कर रहा होगा, मैं उन महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को जो बीच में पहाड़ में मेरे को और आम आदमी पार्टी की हमारी टीम के लोगों को मिलती थी और बोलती थी कि हमारी समस्याओं का हल क्या होगा, देखो आज वो किस्मत वाला दिन शुरुआत हो रही है। उन समस्याओं को कैसे हल करना है, कैसे उसको ठीक करके उत्तराखंड का नव निर्माण जो हमें बोल रहे हैं वो किस तरीके से होगा, आज मैं जरूर अरविंद केजरीवाल सर को सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप हम सबका हौसला बढ़ाने यहाँ पे आए। और यकीन दिलाना चाहता हूँ पूरी आम आदमी टीम की तरफ से, आम आदमी पार्टी की टीम की तरफ से उत्तराखंड में जो है कि जो आपने हमारे लिए सोच बनाई थी कि मैं उत्तराखंड के लिए भी कुछ करना चाहूँ तो मेरे को अच्छा लगेगा, आज उस सोच को पूरा करने के लिए टीम धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है, लोगों के अंदर जज्बा बढ़ता जा रहा है। अब खाली बस एक चीज रह गई है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की ताकत हमारे में है, तरीका खाली हमें समझने की जरूरत है। कोई भी हम कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, फालतू के हम कमेंट्स नहीं मारेंगे कि बिजली फ्री हो जाती है,
पानी फ्री हो जाता है, रोजगार दे सके, हम लोग कहीं पे भी पॉलिटिक्स में वो वाली चीजें नहीं करेंगे कि एक मुख्यमंत्री बनता है बाकी सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम गवर्नमेंट का एक अच्छा मॉडल लेके आएंगे और उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबको हमको अपने संबोधन से अच्छे तरीके से अवगत कराए। धन्यवाद। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज उत्तराखंड में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड को हम देवभूमि मानते हैं। भगवान ने उत्तराखंड को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने सब कुछ दिया। उत्तराखंड में नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, वनस्पति हैं, जड़ी बूटियां हैं। उत्तराखंड में मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं, तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। एक बनता है फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं फिर कहते हैं नहीं ये भी निकम्मा। मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं। तो वहां पे सीएम की लड़ाई चल रही है, उनके पास सीएम नहीं है। फिर विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहाँ पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसा भी कर्नल साहब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, माँ को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी।
किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी, जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे। इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा, चुनाव उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, मुझे तो लगता है शायद उत्तराखंड के हर परिवार से या तो कोई दिल्ली में रहता होगा या दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा, लगभग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिश्ता जरूर है। और जब आपस में दिल्ली से उत्तराखंड के जो निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो आते हैं वापस, चर्चा करते हैं, फोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है। जो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी बिजली हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है, वैसा ही विकास यहाँ भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे, स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पे खेती भी अच्छी करेंगे, कानून व्यवस्था भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे। आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। और मैं ये बता दूं, हमारा, मैं जो कहता हूं वो चुनावी जुमला नहीं होता, केजरीवाल जो कहता है वो करता है। आज जो मैं कह रहा हूं वो केजरीवाल की गारंटी है, 4 बातों की गारंटी दे रहा हूं मैं बिजली के क्षेत्र में। ये हमारी पहली गारंटी है। पहली गारंटी का मतलब अगले महीने फिर आऊंगा एक और बात करने के लिए, फिर उसके अगले महीने फिर आऊंगा एक और बात करने के लिए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, ऐसे पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं, 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना, कई बार जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं।
अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने, उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में, जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके तारें बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, खड़े होके, जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की, वैसे खड़े होके हमने ट्रांसफार्मर चेंज करवाए, तारें चेंज करवाई, रिप्लेस कराई। और आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, लोगों ने इन्वर्टर इस्तेमाल करने बंद कर दिए, जनरेटर इस्तेमाल करने बंद कर दिए। उत्तराखंड में भी बिजली की कमी नहीं है, उत्तराखंड में बिजली बहुत है कि नहीं है? उत्तराखंड तो दूसरों को बिजली देता है, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं, क्यों लगते हैं? तो उत्तराखंड में कोई पावर कट नहीं होगा, ये तीसरी बात। और चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। आज ये बिजली के क्षेत्र में हमारी पहली गारंटी है, चार बातों की मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उसके वो भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे। मैं समझता हूं कि आज की इस घोषणा के बाद उत्तराखंड के हर व्यक्ति को खुशी होगी, हर परिवार को खुशी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उत्तराखंड की महिलाओं को होगी। जैसा मैंने कहा कि एक महिला को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है अगर महंगाई होती है तो। शुक्रिया, अगर आपके कोई प्रश्न है तो। वो भाई साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, एक मिनट में प्रश्न रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार घाटे में चल रही है, उत्तराखंड के पास पैसा नहीं है, इतना पैसा कहां से आएगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार भी घाटे में चला करती थी। आज 5 साल के बाद दिल्ली सरकार नफे में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है पिछली, वो कह रही है कि पूरे देश में अकेली एक ही सरकार है पूरे देश में, दिल्ली सरकार, जो कि नफे में चल रही है, बाकी सारी सरकारें घाटे में चल रही है। नंबर एक। नंबर दो, आज ये जो ऐलान किए गए हैं, हम सारी कैलकुलेशन करके आए हैं, सारी प्लानिंग करके आए, हवा में नहीं कर रहे। 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा टोटल। उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है,
60,000 करोड़ में हमारी दिल्ली में बजट बिजली की सब्सिडी 2200 करोड़ रुपए आती है। अगर हम 60,000 करोड़ में से 2200 करोड़ निकाल लेते हैं दिल्ली में, तो उत्तराखंड में से 50,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ तो निकाल ही लेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपके सामने गवर्नेंस के दो मॉडल हैं। आपको तय करना है कि आप कौन सा मॉडल चाहते हैं। एक मॉडल है इन दोनों पार्टियों का, इस मॉडल में सरकारें घाटे में चलती हैं, जम के भ्रष्टाचार होता है, स्कूल बर्बाद हैं, अस्पताल बर्बाद हैं, बिजली महंगी है और पावर कट लगते हैं। दूसरा मॉडल है नफे में बजट है, शानदार स्कूल बन रहे हैं, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, बिजली मुफ्त है और 24 घंटे बिजली है। आप तय कर लो आपको कौन सा मॉडल चाहिए। अगर हम बिजली मुफ्त कर रहे हैं, आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे। कहां से लाएंगे पैसा? चोरी रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। भ्रष्टाचार रोक के अगर पैसा बचाएंगे और आपकी जेब में डालेंगे तो आप तो खुशी हो गए। अच्छी स्थिति होगी जी, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर बिजली फ्री देंगे तो आप बताओ आप वोट दोगे नहीं दोगे? सारे वोट देंगे। जिस जिसको अच्छे स्कूल चाहिए, जिस जिसको अच्छे अस्पताल चाहिए, जिस जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए, जिस जिसको फ्री बिजली चाहिए, सब देंगे वोट। एक मिनट, वो काफी देर से बोल रहे हैं, एक उनको देखिए जी, हम अगर चोरी रोकने वाली पार्टी है तो हम तो चोरी करते नहीं, हमारे पास फंड तो आप ही से 10 रुपए ली, अब आपसे 100 रुपए लेंगे, इस बार आपसे भी 100 रुपए लेंगे, इनसे भी 100 रुपए लेंगे। जनता के चंदे से चलने वाली पार्टी है और जनता के चंदे से चलेंगे। सीएम का फेस होगा, बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड आऊंगा और आपके सामने सीएम का चेहरा अनाउंस करके जाऊंगा। एक मिनट, ये काफी देर से बिचारे। मेरा सवाल एजुकेशन पे लेके है, जहाँ उत्तराखंडी देहरादूनवासी पे बना उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फीस को लेके स्कूलों की दशा बहुत खराब है, जहाँ एनुअल फीस और स्कूल फीस बाउंसिंग होने के बाद बच्चों को स्कूल से क्लास से उठा के ऑफिस में जमा कर लिया जाता है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, केवल मेरे नहीं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के हर व्यक्ति के क्लोज विषय शिक्षा का विषय। आज हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक पैसे वालों के लिए और एक गरीब के लिए। गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर है, मैं इसलिए मजबूर कह रहा हूँ कि वो भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है कि नहीं है? जिसकी जेब में थोड़ा सा पैसा आ जाए वो एक वक्त की रोटी काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। और प्राइवेट स्कूलों में, सारे स्कूल खराब नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कईयों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, अनाप शनाप पैसे लेते हैं, लाइब्रेरी चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, पिकनिक चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमका चार्ज, इतने चार्ज लगा रखे हैं, आदमी बेचारा पिस जाता है। दिल्ली में हमने दो काम करे, एक तो सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि अब बड़े बड़े अच्छे मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं। भारत में 75 साल आजादी के हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल इतने शानदार हुए हों। मैं आप सारे मीडिया वालों को आमंत्रित करता हूं, आइए मेरे स्कूल देखिए, दिल्ली के अंदर आइए हमारे स्कूल देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अगर झूठ बोलूं तो आप आके देखो, अपने दोस्तों को फोन करके पूछो। और दूसरी चीज, 5 साल से दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, जिस स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत की उस स्कूल को फीस कम, केवल कम नहीं कराई, बच्चों के पैसे वापस कराए हैं।
ढेरों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के अकाउंट में, पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे वापस गए हैं। यहाँ तो बंद स्कूल में फीस भी जा रही है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, आपके पैसे वापस कराएंगे हम। ये इन्होंने एक बड़ा एक अभी आ रहा हूं जी, सबके दूंगा। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में 4-5 स्कूल अच्छे कर दिए, बस बाकी सारे नहीं करे। मैं आपसे सबसे आपको आमंत्रित करता हूं, आप दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में चले जाओ दिल्ली सरकार के, और आप वहां पे फोटो खींच के मेरे को भेज देना, अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके आप देख लेना। एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, मान लो 100 रुपए का पेट्रोल है, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए में मान लो 20 रुपए तो लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपए लेती है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, कम किसको करने चाहिए? सेंटर को कम? एक मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सारी राज्य सरकारें बेचारे छोटे से रेवेन्यू पे चलती हैं, इतना सा तो रेवेन्यू है, सेंटर बढ़ाती जा रही है, आप कहते हो स्टेट कम करे, तो स्टेट चलेगा कैसे? आपको डिमांड करनी चाहिए कि सेंटर कम करे, सेंटर ने ये सेंटर जो इतनी टैक्स पे टैक्स टैक्स, इंटरनेशनल लेवल पे तेल के दाम घटते जा रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है, तो ये तो सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, रोजगार के ऊपर आपने सही कहा, हमारी पार्टी के अंदर आजकल कर्नल साहब जो हैं युवाओं के बीच में घूम रहे हैं, युवाओं के बीच में बातचीत कर रहे हैं, रोजगार को लेके हमारी पार्टी के अंदर पूरा प्लान बन रहा है। अगले कुछ महीने के अंदर मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगा, रोजगार के ऊपर कुछ ना कुछ आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, मैं आज हम सभी जितने भी देशभक्त लोग हैं, जितने भी उत्तराखंड को प्यार करने वाले लोग हैं, जो लोग भी उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, ऐसे लोग जो जो दूसरी पार्टियों में अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि अभी तक आपकी मजबूरी थी कि आप दूसरी पार्टियों में थे, अब एक अच्छी पार्टी आ गई है, उत्तराखंड की राजनीति करवट ले रही है, उत्तराखंड की राजनीति बदलने वाली है, उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने वाली है, आप सब लोग आइए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।